गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग आ चुके हैं भाई फ्रैग के एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में, क्योंकि आ चुका है भाई अपना रेड शैडो। अब बात करते हैं भाई इसके हिट पॉइंट, डैमेज, स्पीड वाइल शूटिंग, तो सभी आपको दिख रहा है, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं। इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है वो इसका रेड स्टार है, वो बूमरैंग जैसा फेंकता है, जाके एनिमी को स्टन करता है, उसके पीछे टेलीपोर्ट जाता है, उसको गजब का डैमेज देता है। अब भाई बात करते हैं इस इम्प्लांट्स की, तो भाई इसमें मैंने 4 इम्प्लांट्स लगा के रखे हैं, एक हेल्थ का, एक स्लो इफेक्ट का, एक फायर का और एक इसकी एबिलिटी डिले करने का, तो आप अपने हिसाब से देख के लगा लेना। बात करते हैं ये कहाँ से है इसकी स्टोरी के बारे में, तो भाई ये जनरल मैक का लड़का है, टूर्नामेंट में ज़्यादा पंगे चल रहे थे तो उनको शांत कराने आए हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। फ्रैग पावर की बात करते हैं तो भाई इसकी स्पीड जो कि मुझे यूजुअली थोड़ी कम लगती है, उसको बढ़ाने के लिए एक फ्रैग पावर दी, और सेकेंड इसकी हिट पॉइंट बढ़ाने के लिए, तो काफ़ी अच्छे फ्रैग पावर है। अब आते हैं भाई इसके गेम प्ले के ऊपर। तो जो अभी रेड शेडो है अपने पास वो है लेवल 10 का है, तो जवान ही बट काम चल जाएगा गाइज इससे। और अपने ओपोनेंट पे आया था भाई एक लेवल 16 का बंदा, तो भाई उसको अपन तो तबीयत से पेलते हैं रेड शेडो के थ्रू। कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है और इसकी स्पेशल एबिलिटी काफ़ी तगड़ी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लेवल 16 सैप गर्ल को काफ़ी इजीली ख़त्म कर दिया। और इसका जो बंकर डैमेज है वो 34-35 से लेके 31-32 तक वेरी होते रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को पूरा मैच दिखा के बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैच में जीत जाता हूँ और रेड शेडो को ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो मैं नेक्स्ट मैच की ओर आ जाता हूँ। जैसा कि अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने इसकी एबिलिटी किस टाइप से यूज़ की, ये देखो, मारा, बूमरैंग से हिट किया, पीछे टेलीपोर्ट हुआ, स्टन हो गई थी वो, उसको ईजिली ख़त्म कर दिया। बस आपको ऐसी ही इसकी एबिलिटी यूज़ करनी है, आप इसकी एबिलिटी का यूज़ करके ईज़ली, काफ़ी ईज़ली जो आपको टकेशी इतना परेशान करता था उसकी एबिलिटी को डिसेबल करके उसको निपटा सकते हो। सेम काम आप करते हो स्टेला के लिए, स्टेला जैसे ही उड़ के आती है आप उसको हिट करो अपनी स्पेशल एबिलिटी से, वो स्टर्न हो जाएगी और उसको ईज़ली फिनिश कर दो, बस भाई। तो इन दोनों को क्रैक करने के लिए ये काफ़ी एक अच्छा कैरेक्टर है। इसकी स्पेशल एबिलिटी की थोड़ी और बात करें तो जैसे ही ये बूमरैंग से हिट करता है, टेलीपोर्ट होता है, इसका एचपी इंक्रीज हो जाता है। मेरा भी 235 है, आप जैसे इसको अपग्रेड करते जाओगे उसकी एचपी इंक्रीज बढ़ती जाएगी, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही आप एनिमी को हिट करते हो या फिर किल करते हो तो जो आपका एबिलिटी कूलडाउन है वो कम हो जाता है, जैसे कि रॉनिन के साथ होता था, सेम इसके साथ ही है। तो भाई उसका कॉपी कैट कैरेक्टर ही, बट हाँ इसकी स्पेशल एबिलिटी को थोड़ा सा चेंज करके अच्छा खासा इन्हेंस किया हुआ है। अब इसकी एबिलिटी की एक तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि आप जब भी इसके रेजर शॉट को यूज़ करते हो तो एक चीज़ का अच्छे से ध्यान देना है कि रेजर शॉट का जो रेडियस है वो उतना होना चाहिए जहाँ पे आप उसे फेंक रहे हो, वरना वो कहीं पे भी टकराएगा और पहले ही रुक जाएगा। जैसे अभी आपको ये सेम चीज़ स्टेला पे यहाँ पे दिखने वाली है, मुझे यहाँ पे स्टेला दिखेगी ये वाले बंकर पे और मैं उसको हिट करने की कोशिश करूँगा, बट मैं उसे हिट नहीं कर पाता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा जो स्वॉट था वो जाके इसके डोर पर टकरा जाता है और वो हिट नहीं होती। देखा आपने यहाँ पर कि मैं उसे हिट नहीं कर पाया, तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप इसके स्वॉट को थोड़ा ओपन में यूज़ करो, और ये चीज़ आपको गेम प्ले में कई बार देखने को मिलेगी। भाई सबसे बेहतरीन इसकी जो स्पेशल एबिलिटी की खूबी है वो ये है कि भाई बंदा स्टन हो जाता है, उसके बाद फिर उसको आप आसानी से हिट कर सकते हो, ये चीज़ आप यहाँ पर देखने वाले हो। और इसके एक स्वॉट का बहुत ख़राब चीज़ है कि ग्लिच है, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे बताना है कि सबके साथ हो रहा है कि नहीं। आप अगर इस बेस से नीचे उतर गए तो आप अंदर को हिट नहीं कर पाओगे, जबकि रॉनिन पे या फिर किसी भी प्लेयर जो क्लोज कॉम्बैट पे डैमेज देता है उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग साथ भी ऐसा हो रहा है कि भाई बस मेरी कैरेक्टर में कुछ ख़राबी है। वैसे है तो ये एक अटैक कार्ड, बट ये सेंटर पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ करो, ये अच्छा परफॉर्मेंस ही देगा। और अगर इससे तुम बंकर डिस्ट्रॉयर बनना चाहते हो तो भाई तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी, ये बंकर डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी डेरियस जो है भाई एक टॉप बंकर बस्टर है, और डेरियस का जो एक बाप है, बाप तो नहीं बोलना चाहिए बट है, वो है वॉल्केनो, तो वो भी भाई एक बहुत ही ख़तरनाक बंकर बस्टर है। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और भाई अब अपना नेक्स्ट गोल है 5K का, तो जल्दी से पहुंचवा दो यार, इतना तो कर ही सकते हो अपने भाई के लिए, ठीक है। तो भाई आगे का गेम प्ले इन्जॉय करो, और नहीं देखना तो भाई स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो जो भी नए सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी नए इसको देख रहे हैं, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट कर दो। छोटा यूट्यूबर हूँ बट हाँ, कंटेंट नए नए रहते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग में भी आओ, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो भाई, टाटा बाय बाय, पीस आउट।